यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा का चयन होता है। 3 चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए छात्र दिन रात यहाँ पर परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं। सिलेक्शन नहीं होने पर कुछ छात्र मायूस हो जाते हैं तो वहीं कुछ मेहनत करना फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो कहानी थोड़ा अलग है। गुरुग्राम में महज कुछ मिनट लेट होने पर एक छात्रा को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यूपीएससी की सिविल सेवा प्री प्रारंभिक परीक्षा 2024 रविवार 16 जून 2024 को आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में किया गया। पहले शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित SDR दर्श स्कूल में भी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। यहां पहली शिफ्ट में शामिल होने आई एक छात्रा को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सुबह 9:30 बजे से पेपर शुरू होने वाला था और परीक्षा के लिए 9 बजे ही गेट बंद कर दिया गया। लड़की के साथ आए माता पिता सेंटर वाले के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। लड़की का प्रवेश नहीं मिलने की वजह से उसकी 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया, जिसका दर्द उसके माता पिता के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है। इस वीडियो में बेटी के परीक्षा में शामिल ना हो पाने का दुख माता पिता के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। पिता बार बार दरवाजे से बेटी को परीक्षा में शामिल करने के लिए गुहार लगा रहा है। माँ रो रो कर बेहोश हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में लड़की अपने माता पिता को संभालते हुए नजर आ रही। इस पोस्ट पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग समय का हवाला देते हुए छात्रा को प्रवेश नहीं मिलने को सही बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छात्रा का समर्थन कर रहे हैं।